रहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बता दें कि बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट, मृतक के परिवार से मिलेंगे सीएम योगी, आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की जाएगी। हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। एडीजी अमिताभ यश बहराइच पर शासन को रिपोर्ट भी यहां पर देंगे। तो आज मृतक का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। बता दें कि हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आज पीड़ित परिवार से सीएम योगी की मुलाकात है। एडीजी अमिताभ यश बहराइच पर शासन को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अविनाश, जानकारी मिल पा रही है कि आज हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, उनके परिजनों से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए, ये मुलाकात लखनऊ में होनी है, क्योंकि कल जो परिजन थे वो डेड बॉडी लेकर पहुंच गए थे महसे तहसील के बाहर, और वहाँ काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। जो परिजन थे वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, क्योंकि ये भी मांग की जा रही थी कि मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में विधायक और जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनके समझाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन तैयार हुए, और कल शाम में जो परिजन थे उन्होंने रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार किया। लेकिन चूंकि देखा जाए तो काफी गंभीर मामला है, काफी बड़ा मामला है, और जो परिजन है, क्योंकि उनका आरोप ये भी था कि कहीं ना कहीं जो उस वक्त वहां पर जो पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे उनकी भी लापरवाही थी जिसकी वजह से गोपाल मिश्रा की जान गई। तो वैसे में आज जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं मैथिली के सुरेश्वर सिंह, वो पीड़ित परिवार को लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास, और वहां पर मुख्यमंत्री से बातचीत होगी। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले ही जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया था तभी मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और सख्ती के साथ निर्देशित भी किया गया था कि ऐसी घटनाओं में जिनकी भी संलिप्तता है उनको कठोर सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार अपनी पूरी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेगा, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहले चीजें कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, जाहिर सी बात है कि आश्वासन दिया जाएगा कि इसमें किसी भी दोषी को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, और उस दिशा में पुलिस प्रशासन की तरफ से काम भी किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता दें, जहां पर बहराइच में रविवार को हुई हिंसा के बाद अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में आ चुकी है और उपद्रव थम चुका है, वहीं पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश काफी तेज कर दी है। बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की निगाह है। यहां पर 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की ओर से जनता से अपील की जा रही है लोगों में अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने के लिए उनसे साफ तौर पर कह दिया गया है। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वही जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, और यहीं से चूंकि मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्तियां ले जाई जा रही थी, बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर यहीं पर दो समुदाय आमने सामने आए। पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद यहां पर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। ये वही जगह है जहाँ पर गोलीबारी की वारदात हुई और यहीं पर वो युवक गोली का शिकार हुआ। हालांकि उसके बाद आज सुबह में, चूंकि यहां से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर महसी तहसील है जहां पर मृतक युवक के परिजन इकट्ठा होते हैं, और उनके साथ में हजारों की तादाद में जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई। हालांकि उसके बाद यहाँ पर हिंसा शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान है बिखरे पड़े हैं, कई जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई और साथ में कुछ दुकानों में, कुछ घरों में भी भीड़ ने आग लगाने की कोशिश की। हिंसाइयों ने जो उपद्रवी थे उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान चूंकि जो पुलिस बल के जवान थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, कई गाड़ियों में आग लगाई जा चुकी थी। हालांकि अब की अगर बात करें तो स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। पूरे इलाके में जो पुलिस फोर्स है वो पैदल मार्च कर रही है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, चाहे हम डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे पुलिस कप्तान हो या फिर यहाँ के जिलाधिकारी हो, वो मौके पर हैं, और पूरे इलाके में, पूरे महसी तहसील में लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। जो पुलिस है वो गश्त कर रही है। कल जैसे ही ये घटना सामने आई मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ ये निर्देशित किया था कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और खास तौर पर वे अधिकारी जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद अब तक
30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अभी फरार है। हालांकि उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार बहराइच के साथ साथ आसपास के जो तमाम जिले हैं वहां पर दबिश दे रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी स्थिति काबू में है, लेकिन फिर भी पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सफरोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर गाजियाबाद से आ रही है। दरअसल आपको बताते चले, नाबालिग से रेप का आरोपी से मुठभेड़ यहां पर हुई है। बता दें कि एनकाउंटर